हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम क्यों छोड़ा। महात्मा गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 11 सूत्री मांगें रखी, किंतु गांधी जी के इस मांग पत्र पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद गांधी जी ने 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को इस व्रत के साथ साबरमती आश्रम छोड़ा कि अब वे स्वराज प्राप्ति के बाद ही यहाँ लौटेंगे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दंडी गुजरात नामक कानून तोड़ने के लिए प्रस्थान किया। स्वराज प्राप्ति के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।